ख्याल है एलडीसी का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 16/9/2019 को हुआ था। ओके, और यहाँ पे जो हम आज की वीडियो में देखेंगे वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस का। और यहाँ पे हम जितना हो सकता है ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। इन ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से आसानी से किसी भी लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। और ट्रिक पे अच्छी प्रैक्टिस करके आप बहुत टाइम बचा सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख सकते हो, ताकि हर एक सवाल आपका सही हो जाए। देखिए, पहला सवाल कहता है, विजय ने एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है। विजय का उस फोटो वाली महिला से क्या रिश्ता है? तो देखिए, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है विजय और इसकी पीढ़ी में और कुछ लोग हैं। वो कहता है वह मेरे भाई की बहन, उसका कोई भाई है, ठीक है, उस पर भी प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि वो मेल है। विजय के ऊपर भी, वी के ऊपर भी प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि विजय भी मेल है। तो यहाँ से प्लस माइनस दिखा करके हम उसका जेंडर बता रहे हैं। वह मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है। भाई के बहन भी है कोई, बहन का कोई पिता है, पी कह लीजिए, वो पिछली पीढ़ी में चला गया। ये सब एक पीढ़ी के हैं और ये दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है। वह मेरे भाई के पिता के बहन की सॉरी वह मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है, इस पिता की बेटी है ये भी। तो ये तीनों भाई बहन ही हो गए ना, दो भाई हैं, इनमें एक बहन है। विजय का उस फोटो वाली महिला से क्या रिश्ता है? जाहिर सी बात है, वो बहन है। ये सब, ये विजय का भाई है और ये विजय की बहन। तो आंसर थर्ड सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो आपको पता करना कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं और क्यों। वैसे तो आंसर आपको पता है कि ग्रीन से टिक है, आंसर आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्यों है ऐसा, इसको पहचानने की कोशिश करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये कहता है, आफ्टर दिस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स विल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और एनी माइन ऑफ एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, बिफोर दिस अमेंडमेंट चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स वर एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्री और माइन। यस, इससे पहले बच्चे 14 साल से कम उम्र के एम्प्लॉयड होते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला कंक्लूजन सॉरी। और दूसरा कंक्लूजन कहता है, द एम्प्लॉयज मस्ट नाउ अबाइड बाई दिस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एम्प्लॉयर जो हैं वो इसको मानने के लिए बाध्य होंगे, उन्हें ये मानना ही पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कानून है, तो उसको मानना तो पड़ेगा ही। तो दोनों कंक्लूजन सही हैं, एक और दो। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 27 सेंटीमीटर का एक घन है जिसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 3-3 सेंटीमीटर के हिस्सों में तोड़ा गया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई आपको देगा। देखिए, इसकी जो ट्रिक होती है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बट आपको इस तरह की ट्रिक पे 4-6 सवाल अगर प्रैक्टिस करने हैं तो इसका पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक हम यहाँ पर शेयर करेंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, 100% आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला, गारंटेड। ओके, तो ये एक साइड है जो कि 27 सेंटीमीटर लंबी है ट्यूब की, और इसको कट किया गया है, 10 मिनट पहले ट्यूब बना। ओके, इसको कट किया गया है और कट करके कुछ इस ढंग से जाली की तरह से आपको दिखाई देगी। ओके, ऐसे करके ये कट किया गया होगा, छोटे छोटे यहाँ पे क्यूब बनेंगे। तो ये जो क्यूब हैं ऐसे, वो कितने बनेंगे अगर यहाँ लंबाई की बात करें, चौड़ाई लंबाई दोनों बराबर होंगी इसकी, तो लंबाई में भी इतने ही बनेंगे, 27 सेंटीमीटर की साइड है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 9 9 क्यूब लंबाई में बनेंगे, 9 चौड़ाई में बनेंगे। ऐसे करके नंबर ऑफ क्यूब्स टोटल चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो, उसका भी हम फार्मूला आपको बता देंगे, वो होता है आपका n की पावर 3। तो n क्या है, 9 9 की पावर 3 का मतलब 729 क्यूब। ऐसे करके टोटल बने होंगे, लेकिन हमसे जो पूछा गया वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमने उन क्यूब, उस क्यूब को मेन को रंगा था, उसके बाद कट किया था, कट करने के बाद रंगे हुए घनों में से कितने घनों की संख्या ऐसी है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, या आप कह लीजिए ट्रिक होती है, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। ओके, अगर दो सतह पूछी जाती है कि दो सतह रंगी है, ऐसे क्यूब्स का नंबर बताओ, तो हमारे पास इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, n-2 और ये इंटू हो जाता है 6 इंटू 12, यानी कि ये 2 उठ करके यहाँ आ जाता है 6 के पास, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जो कि आप प्रैक्टिस कर लेना, और 3-4 तरह के सवाल आते हैं इसमें, टोटल 5 तरह के सवाल आते हैं, एक तरह का हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ़ क्यूब्स हम निकालने जा रहे हैं, एन की वैल्यू हमारे पास आई थी 9, तो 9-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 49 इंटू 6,
294। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये दिया हुआ है दो नंबर पे। ओके, वैसे आंसर तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, बट हम ट्रिक की बदलत तो इन्हें फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पता करना है कि SUWY की जगह पे हम क्या ला सकते हैं या इसके बदले क्या लिखेंगे, और रिलेशनशिप वैसा ही होगा जैसे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिया हुआ है। तो हम पहले इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं। जे के बाद एल आया, एल के बाद एन और पी आ गया, इसको कन्वर्ट करके लिखा गया है एन एल जे एच। ओके, तो अब देखना रिलेशनशिप क्या आ रहा है। इस एन को यहाँ ले आए और इस जे को एन की जगह ले गए, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया गया है। तो हम अपने वाले को भी ऐसे ही रिप्लेस कर देते हैं, SUWY। चलिए W से शुरू करेंगे, U एज इट इज़ रहेगा, जैसे L यहाँ पे सेम रहा वहीं का वहीं, L की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया तो U की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन W की जगह जाएगा S। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो J है इसी के हिसाब से रखा गया है H को, यानी कि जे की जो पोजीशन होती है अल्फाबेट्स में होती है 10, एच की होती है 8, यानी कि दो माइनस कर दिया है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, एच की पोजीशन होती है 19, दो माइनस करेंगे तो 17वीं पोजीशन पे जो लेटर आता है वो आता है क्यू। तो WUSQ ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुझाव और आदेश के बीच में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसके बीच में, तो योजना और उसको लागू करना, ऑप्शन दो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बंटू खासी ये क्या है, सबके साथ मौरी ये हैं ट्राइबल ग्रुप्स, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। अगला सवाल हमारा डायरेक्शन से, डायरेक्शन पे आप हमारे सिर्फ एक वीडियो है वो देख लियो ना, उसके बाद लाइफ में कभी आपको कोई सवाल गलत नहीं होने वाला डायरेक्शन का। चलिए देख लेते हैं इसको भी, ये आपका मिड पॉइंट है, सॉरी ये वो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट जहाँ से दोनों शुरू करते हैं, मिड पॉइंट नहीं कह सकते इसको। तो अंकिता जो है वो इस तरफ जाती है और जो अल्पना है वो इस तरफ जाती है, ए एल हम अल्पना को कह रहे हैं और ए एन हम कह रहे हैं अंकिता को। ओके, अब क्या होता है, अंकिता 15 किलोमीटर चलती है, तो वो ओ से यहाँ तक आई कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ओके, और जो अल्पना थी वो चली गई 20 किलोमीटर। क्लियर, अब क्या हुआ, फिर अंकिता दाएं मुड़ती है, जब भी कोई इनमें से दाएं मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ये अगर दाएं मुड़ेगी इस पॉइंट पे तो ये क्लॉकवाइज जा रही होगी। ओके, और ये क्लॉकवाइज कितने किलोमीटर गई, ये गई है 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर, पहले चली थी 15 किलोमीटर, अब ये चली गई 20 किलोमीटर। ऐसे ही अल्पना बाएँ मुड़ी है, तो बाएँ मुड़ी मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज गई होगी, तो वो यहाँ पे ऐसे आई होगी और वो चली है 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर। ओके, तो आप देखो ये अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, इतनी, अगर इसको हम कहें ए, इसको कहें बी, ट्री हो जाएगा पॉइंट ओ है ही वो, सॉरी ए बी ओ, एक ट्राइंगल बन गया, ऐसे ही एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, इसको आप कह सकते हो डी सी ओ। ओके, दो ट्राइंगल बन चुके हैं, आप जानते हो समकोण त्रिभुज बनेंगे दोनों के दोनों, और इसमें एक 15 सेंटीमीटर की साइड, एक 20 की, इसमें भी एक 15 किलोमीटर की साइड, एक 20 की, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो 15 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो आएगा 25 किलोमीटर, वो इनिशियल पॉइंट से दोनों दूर हैं, दोनों बराबर दूर हैं, और आंसर हो जाएगा आपका थर्ड।